चलान आएगा। हाँ चलान आएगा, चलान आएगा। अभी गाड़ी कट रहा है बहुत, गया जो गलती करता है उसको फाइन होता है तुरंत होता है फाइन। कैश इन लोगों को कल पता चलेगा जिनका जिनका चलान आएगा। जो नहीं फाइन कराते हैं गाड़ी सीज होता है, गाड़ी लगता है, थाना में लगता है। इनका ये पिए हुए हैं क्या? नहीं। अच्छा फिर क्या इनका? रियल नहीं है। अच्छा बीएल नहीं, आगे नंबर नहीं है, गाड़ी का नंबर भी नहीं है। अच्छा सर ये बताइए, जो लोग अभी देख रहे होंगे बड़ी तेजी में तीन तीन लोग बैठा करके ले जा रहे हैं, जो भी सामने आते हैं उसको सिपाही पुलिसकर्मी बहुत एक्टिव हैं, पकड़ते हैं। भीड़ भाड़ में कहीं है तो निकल जाते हैं, भीड़ में कहाँ से। लेकिन हम लोग प्रयास जारी है कि कोई भी उचक्का लफुआ को बहुत निगरानी से कर रहे हैं, क्राइस कर निपट रहे हैं। तमाम चीज़ों को समझा जा सकता है कि बिहार पुलिस कितनी निगरानी के साथ काम कर रही है। देखिए कितनी मजबूती के साथ पूरी बिहार पुलिस लगी हुई है। जो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है और बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं। देखिए सीट बेल्ट भी बहुत ऐसी गाड़ी में, देखिए फोकस करिए क्या इसमें सीट बेल्ट लगा हुआ है। देखिए बगैर सीट बेल्ट गाड़ी के नंबर पे, जो आपकी बाइक के नंबर है या चार चक्के का नंबर है, उस पर वो लोग क्या करते हैं, स्टिकर चिपका लेते हैं। और जब आप स्टिकर चिपकाते हैं तो उसके लिए बिहार पुलिस और पटना पुलिस लगी हुई है कि पटना पुलिस देख रही है उन तमाम चीज़ों को। नमस्कार, मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम गांधी मैदान के समक्ष है, जो कि बिस्कुमान के सामने, आप देख पा रहे होंगे हम बिस्कुमान के सामने हैं। और लगातार जो रोड और प्रशासन अपने काम कर रही है, और देखिए तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बगैर हेलमेट के चलते। सर बहुत लोग बगैर हेलमेट के चल रहे हैं, क्या इसका चलान आएगा? हाँ चलान आएगा, चलान आएगा। अभी गाड़ी कट रहा है बहुत, गया जो गलती करता है उसको फाइन होता है तुरंत होता है फाइन। कैश ये लोगों को कल पता चलेगा जिनका जिनका चलान आएगा। जो नहीं फाइन कराते हैं गाड़ी सीज होता है, गाड़ी लगता है, थाना में लगता है, थाना में। अभी देखिए आप तीन तीन लोग लगातार एक गाड़ी में बाइक पे जा रहे हैं, रोके थे इनका, ये पिए हुए हैं क्या? नहीं। अच्छा फिर क्या इनका? रियल नहीं है। अच्छा बीएल नहीं, आगे नंबर नहीं है, गाड़ी का नंबर भी नहीं है। अच्छा सर ये बताइए, जो लोग अभी देख रहे होंगे बड़ी तेजी में तीन तीन लोग बैठा करके ले जा रहे हैं, जो भी सामने आते हैं उसको सिपाही पुलिसकर्मी बहुत एक्टिव हैं, पकड़ते हैं। भीड़ भाड़ में कहीं है तो निकल जाते हैं, भीड़ में कहाँ से। लेकिन हम लोग प्रयास जारी है कि कोई भी उचक्का लफुआ को बहुत निगरानी से कर रहे हैं, क्राइस कर निपट रहे हैं। क्या नाम हुआ सर अपना? राजकिशोर सिंह, एसआई सब इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह। सर ये जो तमाम लोग हैं आप देख पा रहे होंगे बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, जिनका कोई हेलमेट नहीं है, और डीएल जो बीआर है वो भी नहीं है। अब तो लाइस डीएल नहीं है, हेलमेट नहीं है, कहना मतलब हेलमेट नहीं है तो उस पर कार्रवाई होता है। भीड़ भाड़ में है तो उतना पुलिसकर्मी को नहीं है, लेकिन सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक हो रहा संभव हम लोग पकड़ते हैं, फाइन करते हैं, तो नहीं खत्म फाइन कराता है तो गाड़ी सीज करते हैं, वहाँ फाइन होता है, थाना में फाइन होता है। अभी ऑनलाइन हो रहा होगा कैमरा के माध्यम से? हाँ हो रहा है। इन लोगों को अभी पता नहीं चल रहा, कल पता चलेगा, कल चलेगा पता, कल पता चलेगा। आता है मोबाइल में, आज तक मोबाइल मैसेज कितना फाइन कटा है, 5,000 चाहे 2,000 1,000 तब पहुँच जाता है। अगर सर मान लीजिए कि ये लोग यहाँ से पास होकर के नेक्स्ट कैमरा के पास जाते होंगे, दूसरे पे तीसरे पे, तो क्या सब पे कटता होगा? जहाँ गलती किए हैं, बार बार गलती कहीं कहीं गुजर रहे हैं गलतियों में, वहाँ भी कट रहा है सर। मतलब प्रत्येक कैमरा में कट, एक आदमी चार दिन चार को कटता है, एक आदमी के चार को कटता है। देखिए एक आदमी का तीन चार कटता है, और देखिए किस तरह से तमाम जगहों पर किस तरह से पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों को समझा जा सकता है कि बिहार पुलिस कितनी निगरानी के साथ काम कर रही है। देखिए कितनी मजबूती के साथ पूरी बिहार पुलिस लगी हुई है। जो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है और बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं। देखिए सीट बेल्ट भी बहुत ऐसी गाड़ी में, देखिए फोकस करिए क्या इसमें सीट बेल्ट लगा हुआ है। देखिए बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं, देख रहे हैं आप, बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चल रही है। और जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं, जो प्रशासन है बिहार पुलिस है, वो अपना कार्य कर रही है। देखिए बगैर हेलमेट की गाड़ी चल रही है, बगैर हेलमेट, कोई हेलमेट नहीं है, बगैर कोई हेलमेट नहीं है, बगैर हेलमेट की गाड़ी चल रही है, देखिए किस तरह से। और इन तमाम लोगों का कहीं ना कहीं चलान काटा जा रहा होगा। ये जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं, जो लोग हेलमेट से हैं उनका तो हेलमेट, उनका तो चलान नहीं कट रहा होगा, लेकिन जो बगैर हेलमेट के हैं तमाम लोग का चलान कट रहा होगा। अब देखिए जो बड़ी गाड़ी है, जो चार चक्की की गाड़ी है, कहीं ना कहीं उसके माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे कि चार चक्के में बहुत कम लोग हैं जो सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, लगभग लोग सीट बेल्ट के बगैर चल रहे हैं। लेकिन बिहार की जो पुलिस प्रशासन है, जो बिहार पटना प्रशासन, वो पूरी मजबूती से काम कर रही है, और पूरी मजबूती से काम करके वो इन चीज़ों को दिखा रही है कि बिहार पुलिस, पटना पुलिस कितनी मजबूती से काम कर रही है, कितनी मजबूती से दिखा रही है। देखिए जो तमाम लोग हैं पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं पूरी मजबूती के साथ, जो तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जो पटना पुलिस है वो किस तरह से काम कर रही है। सर क्या लग रहा है, चलान वगैरह कट रहा है आज, आप लोग क्या स्थिति लग रही है चलान? नहीं, जिसको नंबर प्लेट गाड़ी में नहीं या नंबर के जो है कि स्टिकर चिपका लिया, वो सबको गाड़ी को पकड़ा जा रहा है। अच्छा, तो नंबर के ऊपर जो स्टिकर चिपका लेते हैं, हाँ, वो सबको उनको पकड़ा जा रहा है। हाँ, उसको बाद बाकी जो बगैर हेलमेट के लोग हैं उनका भी चलान कट रहा होगा। चलान जैसे सीसी कैमरा लगा हुआ है ना, उधर तो मैं कितना ले लेगा। हाँ, जो इसका अगर उसमें
चपका लिया है, ना नंबर प्लेट झांक लिया है, तो सीसी कैमरा से नहीं कट पाएगा, इस चलते उसको जो है कि पता है। आप लोग खड़े हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने गाड़ी के नंबर पे, जो आपकी बाइक के नंबर है या चार चक्के का नंबर है, उस पे वो लोग क्या करते हैं, स्टिकर चिपका लेते हैं। जब आप स्टिकर चिपकाते हैं तो उसके लिए बिहार पुलिस और पटना पुलिस लगी हुई है कि पटना पुलिस देख रही है उन तमाम चीज़ों को, और उन तमाम चीज़ों को देख कर काट रही है चालान कि जो लोग देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो बगैर हेलमेट के चल रहे हैं। देख रहे होंगे आप किस तरह से बगैर हेलमेट के चल रहे हैं किस तरह से लोग।